हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे बम जहर क्वेश्चन बताऊंगा, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपके 20 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएंगे। होता क्या है, मैं इस पर ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे ही जाएंगे। इसकी अब मैं एक बात आपको ये बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, कि अगर आप इनकी ट्रिकफुल वीडियो पाना चाहते हैं कैसे ये तैयार होंगे, अगर आपको जिसको तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं तैयार तो इस ऐसी वीडियोज जो वीडियो को देखते ही पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रिक एंड टिप्स फुल वीडियो आपको कैसे प्रोवाइड होंगी वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पूरी वीडियो एक भी स्किप मत करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी दोस्त इस वीडियो को देख करके इस वीडियो से बहुत बड़ा फ़ायदा ले सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए दोस्तों, ये 2011, 13, 14, 15, 16, 12, 19, 17 बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने का पूरा पूरा चांस पाए जाते हैं। बम क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को मैं सबसे पहले बता देता हूं, अगर इसकी टिप्स एंड ट्रिक फुल ये क्वेश्चन पाना चाहते हो तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन आपको सर्च करना है तो आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बाई सक्सेस नॉलेज। एक बार इस वीडियो को जाके पहले आप देख लेना, अगर ये क्वेश्चन आपको लगे यही पहले क्वेश्चन से कि मुझे ये क्वेश्चन जीवन भर नहीं भूलेगा, एग्जाम तक की बात छोड़ो, तो जितने क्वेश्चन बताऊं उसी उन सारे क्वेश्चनों को सक्सेस नॉलेज से देखना, वरना सब्सक्राइब भी किए हो ना तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन इस वीडियो को शेयर भी मत करना, लेकिन अगर अच्छी लगे तो यार लाइक और शेयर करना। अगर आपको यही क्वेश्चन रट जाता है तो सारे क्वेश्चन देख लेना, सभी क्वेश्चन का हल मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको सर्वप्रथम 10 मिनट का टाइम देकर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला देखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वह है अनुगमन वेग के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17, 18, 19 लगातार पूछा गया है। अब बात यह आती है कि आप कहेंगे कि लगातार पूछा गया है तो इसमें सेट बनते हैं 7 सेट अपनी, जैसे यूपी में इसी प्रकार प्रत्येक किसी न किसी सेट में भी रखा हुआ मिलता है। तो 20 नंबर यहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरे के पूरे 20 मार्क। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है? स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया, हरे पेन से मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं, लेकिन आपको हरे लाल पेन का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक फुल मिल जाएंगे। वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखना, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, इसके बाद सारे क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन समझ में आता है तो देखना, वरना ना देखना कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो सेवर्ड का नियम क्या है? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम पर, इसलिए इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है? यह पूछा लिया जाएगा आपसे। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों की डेफिनेशन आपको देनी होगी, किसे क्या समझते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, वो भी बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराडे के नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी निरच्छी स्थिति में वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एक ही क्वेश्चन पर, तो सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन यदि आपने सारे के सारे 10 के 10 तैयार कर लिए तो मैं कहता हूँ 20 में 20 नंबर तो आप ले ही 20 नंबर आपके कहीं मिस नहीं होंगे। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना अच्छे से मैं आपको दिखा रहा हूं। बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।